कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। मेरा नाम है मनोज राणा और मैं IHM शिमला में लेक्चरर हूँ। गाइस आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कल 14 तारीख को जो आपका पहला पेपर होने वाला है फूड प्रोडक्शन का, है ना, वो कैसा आ सकता है, थोड़ा सा एनालिसिस किया है मैंने। और क्योंकि आपको पता है JNU का ये फर्स्ट बैच है, फर्स्ट टाइम ये थ्योरी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि सर पेपर कैसा आएगा और उसमें क्या चेंजेस रहेंगे और क्या उसमें नया हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता है JNU से अब हम एफिलिएट हो चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा पहला पेपर आने वाला है। थोड़ा सा हमारा मिड टर्म असेसमेंट भी चेंज हुआ था, है ना, तो सबसे बड़ा चेंज तो आपको क्या मिलने वाला है कि ये पेपर आपका 60 मार्क्स का होने वाला है, 60 नंबर का पेपर होने वाला है। क्योंकि 40 मार्क्स आपका जो असेसमेंट, 20 मार्क्स के आपके असेसमेंट थे, 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट थी, वो आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, है ना। तो कल जो आपका प्रोडक्शन का पेपर होगा BHA 101 फाउंडेशन कोर्स इन फूड प्रोडक्शन थ्योरी, तो 60 मार्क्स का आएगा सबसे पहली बात, है ना। और मैंने आपके रेफरेंस के लिए जो मेरे पास एक पेपर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये पेपर आपको दिख रहा होगा, ये 2019 और 2020 का पेपर है, जिस टाइम पे इग्नो से हमारा एफिलिएशन था, है ना। तो उस टाइम पे ये प्रोडक्शन का पेपर था, उस टाइम पे 100 नंबर का पेपर होता था, आप देख सकते हैं, है ना। और अभी ये 60 मार्क्स का होगा। टाइम उस टाइम पे 3 आवर्स था, अभी भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे, तो आपके पास बहुत टाइम रहने वाला है। 3 घंटे में 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना बहुत आसान है। ओके, अब हम सिलेबस देख लेते हैं, ये आपका सिलेबस है। ओके, तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है गाइज, इंट्रोडक्शन टू कुकरी, है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ क्यूजिन, है ना, या हिस्ट्री ऑफ एनी इंडियन कल्नरी, है ना, या फिर क्योंकि इसमें नए टॉपिक जुड़े हैं आयुर्वेदा, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एटीट्यूड एंड पर्सनल एथिक्स, ओके, ये टॉपिक आपने देखा होगा, ये आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि जो एटीट्यूड है, जो पर्सनल एथिक्स हैं, है ना, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो तो आपको सभी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहाँ पे सेम ही चाहिए, है ना। देन यूनिफॉर्म, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, सेफ्टी प्रोसीजर, यहाँ से एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है ना, कि आप किचन इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करोगे, किचन इक्विपमेंट को हैंडल करते टाइम आप कौन से बातों का ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड आपकी जो गाइज यूनिट है, यहाँ से आप कन्फर्म लिख लो, कन्फर्म तो नहीं कह सकते, बट 99% चांसेस हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या हायरार्की किचन की बनाने को आ सकती है। ओके, और उसके साथ आपको किसी ना किसी किचन एम्प्लॉय की ड्यूटी पूछी जा सकती है। ओके, तो जैसे कि हायरार्की आ गई लार्ज किचन की, क्लासिकल ब्रिगेड आपसे पूछ लेंगे, तो मतलब आपने हायरार्की जरूर पढ़ लेनी है। हायरार्की मीन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, वेरियस शेफ्स, ओके, शू शेफ है आपका, एग्जीक्यूटिव शेफ है, कॉमी होते हैं 1, 2, 3, उनकी डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, एंड देन सेफ्टी प्रिकॉशंस, अगेन सेफ्टी आपने फर्स्ट यूनिट में देखा था, यहाँ पे देखो सेफ्टी प्रोसीजर है और यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस है, सेफ्टी से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देन रोल ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ओके, ये सिलेबस है हमारा। ओके, तो फैट्स एंड ऑयल्स से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो पुराने सिलेबस से मैच कर रहे हैं। तो देखो 19 में कैसे क्वेश्चन आए थे, ओके, डिफाइन स्टॉक, है ना, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको किचन में करवाए गए होंगे। ओके, एंड देन स्टॉक क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके चांसेस हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द किचन, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। यूनिफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ओके, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, तो साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस की ड्राफ्टिंग होती है। ओके, देन आपका है टाइप्स ऑफ कुकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको यूनिट वाइज यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, देन हमारा आता है बेसिक कुकिंग प्रिंसिपल, जो आपके थर्ड यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कुकिंग मेथड्स, एक चार्ट बनता है आपको पता है ना, ग्रिलिंग आता है उसमें, फ्राइंग आता है, शैलो फ्राइंग आता है,
यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है द कॉम्पोनेंट ऑफ स्टॉक. मैंने आपको यहाँ दिखाया अभी 2019 के पेपर में, देखो पहले क्वेश्चन क्या था, डिफाइन स्टॉक. ओके, तो यहाँ से स्टॉक से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सोर्सेज स्टॉक्स है ना, जो आपके मदर सोर्सेज हैं, बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा. थिकनिंग एजेंट्स, और ये यहाँ से आपकी टेक्निकल टर्म्स भी बहुत ज़्यादा बनती हैं. आप बिलीव करो, आपका एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे होंगे. जैसे आपको 7th क्वेश्चन दिख रहा है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, तो ऐसे आपको बहुत सारे टर्म्स दे दी जाएंगी और आपको इनमें से 10 टर्म्स को एक्सप्लेन करना होगा जो 10 मार्क्स का होगा. ओके, तो ये टेक्निकल टर्म्स तो आपने सारी ही पढ़ लेनी है, क्योंकि वो जो टेक्निकल टर्म्स आती हैं वो सारी यूनिट से एक या दो दो पूछी जाती हैं. ठीक है, देन आपका 4th यूनिट है सूप्स एंड सैलेड्स. तो पार्ट्स ऑफ सैलेड्स बहुत इंपॉर्टेंट, सूप्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ओके, देन इफेक्ट ऑफ हीट, हीट का क्या इफेक्ट होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिश एंड अंडरस्टैंडिंग एग. एग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ 2019 में, देखो क्वेश्चन कैसे आया था. ये देखो, डिफरेंट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड मार्क द पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट. और सैलिड से कैसे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ सैलिड. ओके, तो एग्स हो गया, सैलिड हो गया, यहाँ से डेफिनेटली आपके 10 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. कट्स ऑफ फिश यहाँ से पढ़ लेना है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फिश, इनके यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. इंटरनेशनल सूप्स आपको कम से कम 5 या 10 याद होने चाहिए. ओके, यहाँ से क्वेश्चन आएगा. देन आपकी लास्ट यूनिट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेड मेकिंग, ब्रेड एंड केक मेकिंग, तो ये बेकरी वाला पार्ट आ गया. ओके, तो आपके सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ब्रेड मेकिंग क्या होता है. ओके, मैं आपको दिखाता हूँ 2019 उन्होंने कैसे क्वेश्चन पूछा होगा. ये देखो, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एग इन कुकरी एंड बेकरी, है ना, तो एग तो मैंने आपको बोल दिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, देन जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लिस्ट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव शेफ, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. रेजिंग एजेंट्स है ना, क्लास एक्सप्लेन द केमिकल रेजिंग एजेंट्स. ओके, तो गाइज ये रेफरेंस के लिए आपके पेपर था, है ना. बाकी आपको मैं ट्रिक्स बताता हूँ, क्योंकि JNU में जब से हमारा चेंज हुआ है, तो गाइज आपका इसमें पास होना बहुत ही ईजी हो गया, क्योंकि आपने असाइनमेंट भी दी होगी, आपने असेसमेंट भी लगाई होगी, प्लस यहाँ पे 60 मार्क्स का ये पेपर आपका आने वाला है. सबसे पहला मंत्र है कि आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, आपने कुछ ना कुछ उसमें लिख के आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है. ओके, और जितना हो सके टू द पॉइंट लिखना है. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा नहीं कि आपने 10 पेज लिख दिए. ओके, 2 या 3 पेज या टू द पॉइंट लिखना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसको तो आपने छोड़ने नहीं है, उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं आपको. ओके, तो मैंने आपको मेन मेन कंटेंट यहाँ पे बता दिया है कि कहाँ से क्वेश्चनिंग हो सकती है. रेफरेंस के लिए आप इस पेपर को देख सकते हैं. ओके ओके गाइज, तो ये आपके रेफरेंस के लिए एक पेपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. ये MSC फर्स्ट सेम का पेपर है, और ये 5 दिसंबर इसी महीने पेपर हुआ है, क्योंकि JNU का उनका भी चेंज हुआ है ना. जैसे आपका पहला बैच है BSc का JNU का, तो MSc का भी पहला बैच है JNU का. तो ये उनका थ्योरी का पेपर है. आप देखो 60 नंबर का है, मैक्सिमम मार्क्स 60 एंड टाइम अलॉट 3 आवर्स. तो 3 सेक्शन में पेपर आने के, फुल सेम आपका भी ऐसे आने के चांसेस हैं. जो आपका पहला क्वेश्चन है वो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आ गया है ना. जैसे यहाँ पे यू नो अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन लिखा है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर टोटल हो गए. यहाँ पे हो सकता है कि आपके में ऐसा हो कि अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन, टेक्निकल टर्म्स मतलब छोटे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3 नंबर का. देन सेक्शन बी आ गया, यहाँ पे बोला है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मीन्स यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपको सब में ऑप्शन मिलने वाली है. ओके, तो जो अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, वहां से आपके सारे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको ऑप्शन जो और की चॉइस है, ऑप्शन की चॉइस है, वो सभी क्वेश्चंस में मिलने वाली है. ओके, तो यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन करने हैं, और ये यहाँ पे लिखा है 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन हो गए आपके. ओके, 30 मार्क्स हो गए एक्चुअली. तो 30 15 कितने हो गए, 45. एंड लास्ट जो सेक्शन सी है आपका, वहां आपको अगेन एक बड़ा क्वेश्चन होगा, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, और यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगी, इसमें भी और की ऑप्शन है. तो आपको एक क्वेश्चन करना है, तो 45 और 15 कितने हो गए, 60. ओके, तो ये आपके लिए एक सैंपल रहा. तो गाइज ऐसा
ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके सो गाइज, मैंने जो एनालिसिस किया है आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके एंड इफ यू लाइक दिस एनालिसिस देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं अदर IHM हैं उनके साथ ये वीडियो फैला दो ताकि सबको एक आइडिया हो सके कि कल का पेपर कैसा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पेपर हो रहा है JNU के साथ वाला, तो बहुत से बच्चों के डाउट हैं। ओके बाकी टाइम वेस्ट मत करो, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ना शुरू कर दो। ओके लेकिन ऐसा नहीं कि रात को 12-1-2 बजे तक पढ़ते रहे और कल जाके एग्ज़ाम में सो रहे हैं, है ना। तो थोड़ा बैलेंस रखना है लाइफ में और ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।